हाय फ्रेंड्स, ताक्षिक रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता और आज हम बनाने वाले हैं हरे मूंग का नाश्ता। हम मूंग बड़ा बनाने वाले हैं। कुरकुरा कैसे बनाएं, अगर आपको नरम पसंद तो नरम कैसे बनाएं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाली हूं आज। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने हरे मूंग ले लिए थे। एक कप हरे मूंग मैंने रात को पानी में भिगो दिए थे, वो अच्छे से फूल गए हैं। वैसे तो मूंग जल्दी से ही 2-3 घंटे में भी अच्छे से फूल जाते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप में मिक्सी का जार ले ली हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने लहसुन ली है और अदरक ली है। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते तो ना लें। उसके बाद एक ही हरी मिर्च डालूँगी, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है इसलिए। और देखिए, मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है। जीरा डाल देंगे, जीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया है, साबुत धनिया से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा ले लिया है हरा धनिया और ताज़ा कड़ी पत्ता। ताज़ा कड़ी पत्ता आप ज़रूर डालिए। और इसके बाद देखिए, मैं डाल रही हूँ मूँग। जो हमने मूँग 1 कप डाला था, फूल के डबल हो गया है। तो हमने मूँग डाल दिया और थोड़ा सा मूँग मैंने साइड में रख दिया है। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। हमको ज़्यादा नहीं पीसना है, एकदम दरदरा पीसना है। और इसको हम एक बाउल में पहले निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी बेसन। बेसन 2 चम्मच डाल देंगे। बेसन आप ज़रूर डालिए। और देखिए, थोड़ा सा मैं मूँग रखी थी, मूँग भी डाल दूँगी इसमें। क्योंकि हमने जब मूंग जब हमने पीसा है तो हमने पानी का तो इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी थोड़ा गीला रहता है, इसीलिए हम बेसन डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद प्याज भी डाल दिया है 1 बारीक काट के। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने से भी अच्छा टेस्ट आता है कुरकुरा, इसीलिए आप प्याज भी डालिए। इसको हम ढक के पहले साइड में रख देंगे। इसके बाद हम कढ़ाई रख देंगे गैस पर। और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तो ये वाला तेल ना मेरा पहले का ही तला हुआ यूज़ वाला तेल है, तो वो ही मैं यूज़ में ले रही हूँ दोबारा। तो हम कढ़ाई में डाल देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें एक एक करके बड़े भी डालने वाले हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा लेके हम बड़ा बनाएंगे। तो इतना मैंने ले लिया है, अब इसका हम बड़ा बना लेंगे ऐसे ही गोल गोल। देखिए, अगर आपको एकदम कुरकुरा बड़ा पसंद है, नरम पसंद नहीं है, तो एकदम पतला बनाइए। एकदम पतला बनाओगे ना तो एकदम कुरकुरा बनेगा। और अगर आपको थोड़ा सा नरम खाना है तो थोड़ा मोटा ही रखिए। बस मोटा पकने में क्या, गैस आपको स्लो करके पकाना है तो एकदम अच्छे से पक जाएगा। मैं दोनों तरीके के बनाने वाली हूँ, मोटा वाला भी और पतला वाला भी। तो देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं एक एक करके बड़े छोड़ रही हूँ। मेरे दोनों टाइप के मैं बड़े बना रही हूँ, पतला वाला भी और वो भी। तो मैं दोनों डाल रही हूँ। बड़े हमने डाल दिए और हमको गैस एकदम स्लो रखना है। स्लो इसमें हम बनाएंगे, आराम से एकदम तलना है हमको। तो देखिए, बड़े हमारे एकदम कुरकुरे से एकदम बढ़िया ने निकाल लिए हैं। और मैं दोबारा और दूसरे है वो भी डाल दूँगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे बड़े निकाल देंगे। बस आपको गैस लो करके ही पकाना है, तेज गैस पे नहीं पकाना है। तो हमारे बड़े बनके एकदम रेडी हो गए हैं। तो देखिए, मैं आपको प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ मेरे बड़े कैसे बने। तो छोटे मोटे थोड़े से कम ज़्यादा बन गए हैं। तो देखिए, मोटा वाला बड़ा है, मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी कि कितना नरम बना है। देखिए, एकदम बढ़िया, एकदम टेस्ट एकदम चटपटा सा बनेगा। अगर आप थोड़ा सा और तीखा डाल दोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चे हैं घर में इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ी कम डाली है। तो इसी तरीके से आप बड़े की रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। और आपको थोड़ा भी अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे ना, एकदम थोड़ा भी, तो भी शेयर ज़रूर करिए। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।